गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। मैं हूँ काम्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक, ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन पर जमी डस्ट गंदगी को बाहर निकालेगा, जमी हुई मैल को आसानी से बाहर निकालेगा, आपकी स्किन को गोरी निखरी बेदाग चमकदार बनाएगा। अगर आपके हाथ पैरों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हो, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई हो, घुटने का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हो, नेक एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हो, आपके गर्दन का कलर बहुत ज़्यादा काला पड़ गया हो, इस रेमेडी को आप पूरी बॉडी में यूज कर सकते हैं। जहाँ भी आपको डार्क एरिया लगे या फिर आपकी बॉडी में साइन नहीं है, चमक नहीं है, तो इस पैक को आप लोग यूज कर सकते हैं। फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आज का ये पैक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है। और इसे बनाना कैसे है और कैसे लगाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो फटाफट से चैनल को कल सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैक को रेडी करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लेना है एक क्लीन बाउल। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है, आपको यहाँ पे लेना है, हमें यहाँ पे लेना है एक टमाटो पका हुआ, आपको एक टमाटो ले लेना है। उसका हमें पल्प लेना है, यानी कि हमें उसका लेना है जूस, टमाटर का हमें यहाँ पे रस लेना है, 3 से 4 चम्मच आपको ले लेना है यहाँ पे टमाटर का रस। तो मैं कुछ इस तरह से इसका टमाटर का रस मैं इसमें निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है, तो ये हमारी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लेना है लेमन, यानी कि हमें यहाँ पे लेना है लेमन जूस, यानी नींबू का रस हमें लेना है यहाँ पे, एक नींबू का रस हमें यहाँ पे स्विच कर लेना है इस बाउल में। तो मैं यहाँ पे एक नींबू का रस ले रही हूँ। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन से दाग धब्बे को रिमूव करने के साथ साथ हमारी स्किन पर जमी हुई गंदगी मैल को आसानी से बाहर निकालता है। तो मैंने यहाँ पे पूरे नींबू का रस इसमें निकाल लिया है। इसमें आप ले सकते हैं यहाँ पे करीब 2 चम्मच आपको नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 पैकेट आपको इनो इसमें ऐड करनी है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इनो लेंगे बहुत ही अच्छा आपके रिजल्ट आएगा, स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो मैं यहाँ पे 1 पूरा पैकेट इसमें इनो का ऐड कर दूँगी। इनो को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें बबल्स आ जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा हमें चम्मच की हेल्प से इसे चलाना है, और ये हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में, हाथ पैरों की गंदगी बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच आपको लेना है यहाँ पे वर्जन कोकोनट ऑयल, यानी कि हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे जैतून का तेल ले सकते हैं या फिर रोगन बादाम ऑयल ले सकते हैं, जो स्किन के लिए आता है, वो हमें इसमें 1 चम्मच मिक्स करना है। अब इसके बाद हमें लास्ट चीज़ जो इसमें ऐड करनी है, वो हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच आपको लेना है राइस फ्लावर, यानी कि हमें यहाँ पर लेना है 1 चम्मच लेना है यहाँ पे चावल का आटा। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चावल का आटा। बस इन सभी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिला लेना है। ये हमारा पैक बन के हो चुका है पूरी तरह से रेडी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस पैक को आपको यूज़ कैसे करना है अपनी बॉडी पर, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। एक बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, इस पैक को आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। इस पैक को आप अपने हाथ पैरों काली गर्दन कोहनी में और बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हो, बट फेस पे इसे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इस पैक को अगर आप फुल बॉडी में यूज करते हैं, तो अगर आप नहाने के टाइम इस पैक को यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको इस पैक को अपनी पूरी बॉडी में लगा लेना है, जहाँ भी आपको लगाना है अपने हाथ पैरों में लगा लेना है, और फिर आपको 1 मिनट तक अच्छे से इसे स्क्रबिंग करनी है, पूरे हाथ में पैरों में आपको लगाना है 1 मिनट के लिए। और फिर लगा के आप जहाँ भी आपके बॉडी में डार्क एरिया हो, हाथ पैरों में, जहाँ भी नेक एरिया में, जहाँ भी आपके बॉडी में डार्क एरिया हो, इस पैक को लगा के 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से आप स्क्रबिंग करेंगे। उसके बाद इसे लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। इस पैक को आपको लगा के ऐसे ही 10 मिनट आपको छोड़ देना है इसे ड्राई होने के लिए। जब ये सूख जाए 10 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से
अपने बॉडी को साफ कर सकते हैं, अपने नॉर्मल पानी से अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं इस वीडियो में, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट लगेगी, ग्लोइंग स्मूथ सॉफ्ट नज़र आएगी। तो इस पैक को आप लोग यूज करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी मेरी वीडियोस ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।